नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्यम में। मैं डॉक्टर आरसी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। आज हम बात करेंगे एक ऐसी औषधि की जो हमारे शरीर का संशोधन करने के साथ साथ पूरे शरीर को डिटॉक्स करने की भी क्षमता रखती है। यह औषधि हमारे किडनी की क्रियाविधि को सुचारू रूप से संचालित कराती है तथा शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर यूरिया तथा क्रिएटिनिन की मात्रा को नियंत्रित करती है। लीवर की क्रिया को सुधार कर संपूर्ण मेटाबॉलिज्म को ठीक रखती है। शरीर में जमे हुए अनावश्यक कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। बाइल स्राव को नियंत्रित कर लीवर के हिपेटोसाइट सेल्स को भी नष्ट होने से बचाती है। यह औषधि आंतों की क्रियाविधि को भी ठीक करती है। बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करती है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को, अत्यधिक गैस बनना तथा अत्यधिक ढकारे आना जैसी समस्याओं से निजात दिलाने की भी क्षमता रखती है। यह औषधि कुल 8 जड़ी बूटियों से मिलकर बनी हुई है, जिनके नाम हैं पुनर्नवा, बोहरिविया डिफ्यूजा, नीम, एजा डायरेक्टा, इंडिका, पटोल पत्र, ट्राइकोसेंथिस डायोका, सुंठी यानी सोंठ, जिंजिवर ऑफिसिनेलिस, कटुकी यानी पिक्रोराइजा कुरोवा, गुड़ची यानी टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, दारु हरिद्रा यानी वर्वेरिस अरिस्टाटा और अव्या यानी हरित की अर्थात टर्मिनेलिया चिबुला। आयुर्वेद के भैषज रत्नावली नामक ग्रंथ में उदर रोग चिकित्सा अध्याय में इस औषधि का वर्णन किया गया है, जिसको पुनर्नवाष्टक क्वाथ के नाम से जाना जाता है। पुनर्नवा निम्ब पटोल सुंठी तिक्ता अमृता दारु अभया कषाय सर्वांग सोथोदर काशसूल श्वासान नितम पांडुगतम निहन्ति। अर्थात इन औषधियों का प्रयोग सर्वांग सोथ यानी इडिमा अर्थात सूजन में, एनासार का यानी पूरे शरीर में आए सूजन में किया जाता है। उदर रोग में भी यह औषधि काफ़ी लाभकारी है, जैसे हिपेटोमिगैली यानी यकृत वृद्धि, स्प्लिनोमिगैली यानी प्लीहा की वृद्धि में, जलोदर यानी एसाइटिस में, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में यानी जड़ विबंध में, पेट में अत्यधिक गैस बनना, ढकारे आना या पेट का फूलना या उदर सूल जैसी समस्या में इस औषधि का प्रयोग लाभकारी होता है। काश यानी खांसी में, श्वास यानी सांस फूलना या डिस्निया होना, पांडु रोग यानी एनीमिया की कंडीशन में जिसमें खून कम बनता है, और सूल में जैसे उदर सूल या जोड़ों में दर्द हो रहा हो, पिंडलियों में दर्द हो रहा हो, इस अवस्था में इस पुनर्नवाष्टक क्वाथ का प्रयोग काफ़ी लाभकारी होता है। यदि हम पुनर्नवाष्टक क्वाथ के घटक द्रव्यों की अलग अलग बात करें तो पुनर्नवा यकृत एवं गुर्दा रोगों के लिए अच्छी औषधि है। नीम त्वक विकार यानी चर्म रोगों के लिए उत्तम औषधि मानी जाती है। पटोल पत्र उदर रोग एवं पित्त समन के लिए अच्छी औषधि मानी जाती है। सुंठी शूल प्रशमन यानी दर्द निवारक के रूप में और उदर रोगों के लिए अच्छी औषधि मानी जाती है। कुटकी यकृत विकार और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लिए उत्तम औषधि है। गुड़ची का प्रयोग इम्यूनोमॉड्यूलेटर के रूप में अर्थात प्रतिरोधक क्षमता वर्धक के रूप में किया जाता है। दारु हरिद्रा यकृत विकार और त्वक विकार में लाभकारी होता है और हरित की यानी अभया वात समन और उदर रोगों के लिए उत्तम औषधि है। इस प्रकार इन 8 औषधियों के विशिष्ट गुणों का समन्वय इस पुनर्नवाष्टक क्वाथ में निहित है, जो हमारे शरीर के अनेकों रोगों को दूर करने तथा उनसे बचाने में सहायक है। यह औषधि सभी आयुर्वेदिक स्टोरों पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसका प्रयोग काढ़ा बनाने की विधि के अनुसार करना चाहिए। 2 चम्मच पुनर्नवाष्टक क्वाथ को 2 गिलास पानी में डालकर चौथाई रहने अर्थात आधा गिलास रहने तक उबालें।
इसके बाद उसे छान कर रख लें, गुनगुना रहने पर पिए। इस प्रकार सुबह और शाम काढ़ा बनाकर इसका प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ ही यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी लाभान्वित हों। धन्यवाद।